नमस्कार सभी को, वर्णमाला क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं हेमंत बसवाल और आज हम पढ़ेंगे मुगल कालीन इतिहासकार। इतिहास लेखन के लेक्चर्स में मैंने पहले सल्तनत कालीन इतिहास लेखन तक बता दिया है आपको, उसके जो जो प्रमुख इतिहासकार थे और दो इतिहासकार उसमें रह गए थे। वो इतिहासकार भी नहीं है, एक तरह से वो यात्री हैं, दो यात्री हैं, वो इतने मुख्य नहीं हैं, लेकिन फिर भी लोगों को रहता है कि उनके नाम ज़्यादा प्रचलन में है तो उससे सवाल आएंगे या फिर इस तरह की कोई बात है, तो उसके लिए मैं उन दोनों को भी क्लियर करवा देता हूँ। और उससे आगे बढ़ने से पहले मैं एक सवाल और करवा देता हूँ, क्योंकि लोगों की बता रहे हैं कि कोई सवाल भी सॉल्व करवाइए आप। तो एक सवाल है कि जो अमीर खुसरो है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बार अमीर खुसरो की नहीं है? इसमें सबसे पहले इन्होंने दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है, फिर ए डाल देते हैं इसको, इजाज ए खुसरवी। बी ऑप्शन जो दिया हुआ है वो है गुनियात उल मुनिया, और तीसरा ऑप्शन है सी नूह सिपिर, और जो चौथा ऑप्शन है वो है किरान उस सदाई। अब इस तरह के प्रश्न मुख्यतः जो इतिहास लेखन परंपरा से जो सवाल पूछे जाते हैं वो इस तरह से पूछे जाते हैं कि उनकी कौन सी रचना है, या फिर वहाँ पे दे देंगे, वो उनको मेल करने के लिए दे देंगे, यहाँ पे लेखक के नाम होंगे और यहाँ पे उन रचनाओं के नाम होंगे कि कौन सा मेल नहीं खा रहा है, या फिर या इनको सुमेलित कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न इतिहास लेखन की परंपरा से इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो रिसर्च मेथडोलॉजी के से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें इस प्रकार से पूछा जाएगा कि कथन दिया जाएगा कि कौन सा कथन या फिर कौन सा विचार किस इतिहासकार का या फिर किस विचारक का ये कथन है। तो इतिहास लेखन की परंपरा से जब हम अमीर खुसरो जब हमने पढ़ा था तो हमने दो रचनाएं तो देखी थी, एक नूह सिपिर जिन्हें हमने महत्वपूर्ण रचनाओं में माना था, नूह सिपिर किरान उस सदाइन, और ये दोनों रचनाएं तो अमीर खुसरो की हैं। अब बचती है ये दोनों, इन दोनों में से हम कैसे निकालेंगे? ये जो इजाज खुसरवी, बुक का नाम देखिए, इजाज ए खुसरवी, तो मतलब कि ये खुसरो से संबंधित एक पुस्तक है, तो मान सकते हैं कि ये भी अमीर खुसरो की होगी। चलो ये 50-50 मानते हैं इसको, अगर हमें पता नहीं है तो। दूसरा गुनियात उल मुनिया, गुनियात उल मुनिहा, हिस्ट्री पढ़ने वालों ने, मैंने तो अभी तक इस पुस्तक का नाम सुना नहीं है, कभी पढ़ा होगा तो मेरे को फिलहाल याद नहीं है। तो यहाँ पे 50-50 हो जाता है, लेकिन जब हम इसका नाम देखते हैं खुसरवी तो उस हिसाब से हम इसको मार्क कर सकते हैं कि हाँ भाई ये पुस्तक भी अमीर खुसरो की होगी, और ये गुनियात उल मुनिया है इसको हम एक्सक्लूड कर सकते हैं। अभी जो गुनियात उल मुनिया है ये एक अज्ञात लेखक की लिखी हुई पुस्तक है, अमीर खुसरो की तो नहीं है मैंने जो देखा है, और ये भी अमीर खुसरो के टाइम की ही पुस्तक लिखी हुई है, लेकिन ये अमीर खुसरो की पुस्तक नहीं है। और जी जो इजाज ए खुसरवी पुस्तक है अमीर खुसरो की, इसके अंदर ये गद्य रचना है, ये अमीर खुसरो की एक गद्य रचना है।
तो ये सवाल हो गया, इस प्रकार के सवाल इतिहास लेखन की परंपरा से पूछे जाएंगे। और मुख्यतः सवाल मध्यकालीन इतिहास लेखन से और जो आधुनिक कालीन इतिहास लेखन से ही पूछे जाते हैं। प्राचीन कालीन इतिहास लेखन से इतने सवाल ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, बुक्स वगैरह भी पूछे जाते हैं, वो भी मॉडर्न टाइम के जो इतिहासकार जो उस पर लिख रहे हैं उस बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि उनकी कौन सी रचना है जो उन्होंने प्राचीन भारत पर लिखी हुई है। बाकी प्राचीन कालीन परंपरा से इस प्रकार के सवाल बामुश्किल कोई मैंने देखा है अभी तक। चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम बात करेंगे अल बरूनी की। जो अल बरूनी है ये अरबी यात्री थे और अरबी लेखक थे। इनका दो तीन भाषाओं में इनकी महारत थी, फारसी, अरबी, संस्कृत। और दूसरा इनमें एक ध्यान रखने की बात क्या है कि ये साथ में एक खगोलविद और जो पुराणों का जो अध्ययन, भाषा का जो अध्ययन है वो इन्होंने, जो पहले कोई अरब लेखक है जिसने पुराणों का अध्ययन किया है तो वो अलबरूनी ही है। अब ये अलबरूनी है ये गजनवी के टाइम पे, गजनवी के समय ये भारत आए थे और भारत में भी ये कुछ ज़्यादा समय तक नहीं रुके थे। और यहाँ पे इन्होंने रुकने के बाद तहकीक ए हिंद, तहकीक ए हिंद नामक पुस्तक इन्होंने लिखी थी। उसके अंदर इन्होंने हिंदुस्तान के अंदर जो भी इन्होंने संस्कृति और यहाँ की परंपराएं और यहाँ का जो प्रकृति वगैरह जो इन्होंने देखा उसके बारे में ये वर्णन करते हैं। यहाँ की प्रकृति के बारे में, यहाँ के खान पान के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में, सती प्रथा के बारे में यहाँ पे ये इसमें वर्णन करते हैं। और काफ़ी सारी प्रथाओं का इस प्रकार से वर्णन हमें देखने को मिलता है। जो हिंदू जो भी तांत्रिक क्रियाएँ वगैरह थी उनके बारे में बहुत अच्छे से वर्णन करते हैं। तो ये भारत आके इनको काफ़ी अलग देश लगा और ये यहाँ की संस्कृति की हालांकि तारीफ करते हैं लेकिन उसकी एक कमी भी बताते हैं। कमी ये इस प्रकार बताते हैं कि यहाँ का जो लिटरेचर है, यहाँ का जो ज्ञान है वो काफ़ी विस्तृत है लेकिन वो अभी उसका विकास थम गया है। क्यों थम गया है? क्योंकि प्राचीन भारत में जो जब ये रचनाएं लिखी जा रही थी और इन रचनाओं से पहले के भी काल में जो ज्ञान का आदान प्रदान होता था और बाहर से कोई ज्ञान है तो उसका स्वागत किया जाता था, लेकिन जब इन रचनाओं को लिपिबद्ध कर लिया गया तब हमारे जो जो विद्वान लोग थे जिन जो इस सब पे काम कर रहे थे या फिर कहें कि ब्राह्मण और पंडित लोग थे, उन्होंने अपने ज्ञान को संपूर्ण मान लिया कि हमारा जो ज्ञान है वही पूर्ण है, बाहर के लोग तो ना समझे, उनको इतनी सब चीज़ें पता नहीं है। ज्ञान तो हमारा जो दर्शन शास्त्र है और जो विज्ञान है उसमें काफ़ी ये बताते हैं कि है कि प्रगति इन्होंने की हुई है लेकिन अभी वो प्रगति थमी हुई है क्योंकि इन्होंने बाहर से संपर्क और बाहर से ज्ञान के प्रवेश पर इन्होंने प्रतिबंध लगा रखा है। तो ये इस प्रकार की ये आलोचना करते हैं। दूसरा एक प्राकृतिक विज्ञान, खगोलविद, प्राकृतिक विज्ञान और दूसरा प्रकाश विज्ञान, यांत्रिकी और ज्योतिष वगैरह जो खगोल है उसमें इनका उनकी रुचि देखने को मिलती है। दूसरा एक खनिज आदि में भी ये इनका काम हमें देखने को मिलता है। तो जो गजनवी के साथ, मोहम्मद महमूद गजनवी के साथ ये भारत आए थे और वह यहाँ पे भारत का इन्होंने जो वर्णन है वो ये 11वीं शताब्दी में भारत आए थे और ये आए थे 1017 से लेकर के 1020 तक ये भारत में रहे। ठीक है, अगले जो लेखक हैं या फिर कहें यात्री, इब्न बतूता का आपने नाम सुना होगा। इब्न तो खत्म हो गया, सॉरी, इब्न बतूता। इब्न बतूता जो यात्री हैं ये मोरक्को से उत्तरी अफ्रीका के
मोरक्को से ये भारत की यात्रा पर निकले थे, और इन्होंने सिर्फ भारत की यात्रा पर ये जब निकले तो इन्होंने ये मोहम्मद तुगलक के समय में ये भारत आए, और उस समय मोहम्मद तुगलक का इन्होंने काफ़ी तारीफ़ की। इनके जो निर्णय लेने की और अलग अलग तरह के प्रयोग करने की जो क्षमता थी और जो इनके विचार थे थोड़े जो हटके थे, उसकी इन्होंने काफ़ी प्रशंसा की है। मोहम्मद तुगलक के समय में ये दिल्ली के अंदर काजी के पद पर नियुक्त हुए, और ये आए कब थे, 1333 से 1347 तक ये भारत के अंदर रहे। और इनकी जो रचना है उसकी खास बात ये है, इनकी रचना है रेहला, रेहला है या रिहला है, प्रोनाउंसिएशन का कुछ फर्क है, रेहला रेहला जो इनकी रचना है वो हमें थोड़ी सी निष्पक्ष दिखाई देती है। डाक प्रणाली का इसमें, भारत की डाक प्रणाली का इसमें ये जिक्र करते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार से घोड़ों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो सूचना है वो पहुँचाई जाती थी। डाक प्रणाली का ये जिक्र करते हैं, और इनका जिक्र थोड़ा सा निष्पक्ष हमें दिखाई देता है। उसकी वजह ये है कि इन्होंने यहाँ पर ये रहे तो सही, लेकिन जो रिहला का जो इन्होंने रचना की है वो इन्होंने वापस मोरक्को में जाकर ही इसकी रचना की है। इस वजह से इसकी इनके लेखन में हमें थोड़ी सी निष्पक्षता दिखाई देती है बाकी कंपेरिजन में। अब हम बात करते हैं मुगल कालीन। मुगल कालीन इतिहास लेखन परंपरा की जब हमने सल्तनत कालीन इतिहास लेखन परंपरा देखी तो उसके अंदर हमने देखा कि किस प्रकार से धर्म का प्रभाव उसके अंदर बहुत ज़्यादा हमें और गहरा हमें देखने को मिलता है, और थोड़ा सा जो सुधार हमें दिखाई देता है वो बर्नी के लेखन तक आते आते, और थोड़ा सा अमीर खुसरो भी काफ़ी पहले का हो गया, लेकिन बर्नी के लेखन तक आते आते हमें थोड़ा सा उसके अंदर एक प्रकार से सिद्धांतिक रूप से उसके अंदर सुधार हमें देखने को मिलता है कि किस प्रकार वो तथ्यों को लेकर थोड़ा सा सावधानी बरतने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम मुगल काल में आते हैं तो मुगल काल के अंदर एक ट्रेंड काफ़ी चेंज हो जाता है, काफ़ी हद तक असलियत में भी चेंज हो जाता है, और काफ़ी हद तक ये सिद्धांत तय चेंज हो जाता है। इसमें हम विषय वस्तु की बात करें, विषय वस्तु यहां पर धर्म से स्वतंत्र हो जाती है। हर चीज में धर्म का जिक्र नहीं होता है, हर चीज को अल्लाह के द्वारा या फिर इस्लाम के द्वारा स्थापित करने की या फिर उसके अनुकूल देखने की प्रयास यहां पर नहीं किया जाता है। ये तो हो गया पहली विशेषता है इसकी। दूसरी विशेषता अगर हम देखें तो तकनीकी रूप में ये वैज्ञानिक हो गया था। जो दस्तावेजों को परखने जांचने का, उनको पढ़ने का, उनका प्रयोग करने का जो तरीका था वो थोड़ा वैज्ञानिक हो गया है। इसमें हमें सबसे जो महत्वपूर्ण जो योगदान हमें दिखाई देता है, हालांकि बाबर ने इसकी शुरुआत कर दी थी, लेकिन अकबर के समय में हमें इसमें सबसे ज़्यादा, क्योंकि अकबर का जो शासन काल है वो काफ़ी स्टेबल था, काफ़ी विस्तार उसके अंदर हुआ, और जब शासन आराम से चल रहा होता है और थोड़ा स्टेबल होता है तब शासक लेखन की तरफ और जो संस्कृति है, कला है, उसकी तरफ ध्यान देने का प्रयास करता है। अकबर के समय काल में हमें इतिहास लेखन में सबसे ज़्यादा प्रगति देखने को मिलती है, और वैज्ञानिक तकनीक का एक तरह से कहें कि उसमें हमें प्रयोग, सिद्धांत है उसमें प्रयोग देखने को मिलता है। क्योंकि अकबर जब अपने अधिकारियों को नियुक्त करता है कि तुम जो इस्लाम की शुरुआत से लेकर 1000 साल तक का तुम इतिहास लिखो, और जिसके अंदर मुगल वंश भी शामिल होगा और मुगल वंश के जितने शासक हुए हैं उन सब का इतिहास और उनके जो पूर्वज हैं उनके बारे में पूरा इतिहास उसके अंदर लिखा जाएगा, तो उसमें उन्होंने सावधानी ये बता दी थी कि आप जनश्रुतियों का प्रयोग नहीं करेंगे, जो प्रचलन में जो बातें रही हैं उनका आप प्रयोग नहीं करेंगे, आप वैज्ञानिक रूप से दस्तावेजों को खंगाल कर, जो अभिलेखागार है वहाँ पर जाकर, वहाँ पर दस्तावेजों को खंगालिए और वहाँ से जाकर आप इतिहास लेखन, उनके आधार पर आप इतिहास लेखन कीजिए। तो ये हमें एक वैज्ञानिक तकनीक इसमें दिखाई देती है इतिहास लेखन को लेकर। और आगे हम चलें, क्योंकि अकबर जो बाबर का जो सपना था, बाबर तैमूर से अपने को जोड़ते थे कि मैं तैमूर जैसा बनना चाहता हूँ,
और अपने आप को भारत में स्थापित करना चाहते थे एक बड़े शासक और बड़े बड़े इन्वेडर के रूप में। तो उसके सपने को अकबर स्थापित करने का प्रयास करते हैं। दृष्टिकोण की अगर हम बात करें दृष्टिकोण की अगर हम बात करें तो यह काफ़ी व्यापक हो गया था। अलग अलग तरह के विचार और संभावनाओं और घटनाओं पर यहाँ पर विचार और उनका वर्णन किया जा रहा था। और दूसरा जो स्रोत सामग्री का विपुल भंडार हमें यहाँ पर देखने को मिलता है और काफ़ी ज़्यादा लेखन और स्रोत सामग्री का काफ़ी विपुल भंडार और उसका अध्ययन और उसका लेखन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। आगे अगर हम चले तो आगे हमें मिलेगा यही वह समय है जब आम लोगों को इतिहास लेखन में शामिल करने का प्रयास किया गया। और एक दूसरी विशेषता और हम देखेंगे कि जो शाही संरक्षण में अभी तक इतिहास लिखा जा रहा था, हालांकि ये शाही संरक्षण में लिखा गया, उसके लिए अधिकारी नियुक्त किए गए और काफ़ी सीरियस थे वो इतिहास लेखन को लेकर अकबर। और तो शाही संरक्षण की जगह पर अब यहाँ पर स्वतंत्र रूप से लेखन भी हमें देखने को मिलता है, जिसके अंदर बदायूनी, मुख्यतः बदायूनी और एक अहमद निजामुद्दीन अहमद निजामुद्दीन अहमद आदि इतिहासकार हमें मिलते हैं जो स्वतंत्र रूप से इतिहास लेखन करने का प्रयास करते हैं। हालांकि ये दोनों ही इतिहासकार अकबर ने इतिहास लेखन के लिए नियुक्त किए थे, लेकिन बाद में जाकर इन्होंने अपने जो स्वतंत्र विचार हैं वो भी अपनी अलग पुस्तकों के अंदर इन्होंने लिखने का प्रयास किया है। आगे हम चलें तो कारण परिणाम सिद्धांत का यहाँ पर प्रयोग हमें ठीक ठाक देखने को मिलता है। कारण परिणाम सिद्धांत, अब जो सिद्धांत हैं उसमें हमें दैवीय या फिर ईश्वरीय इच्छा की जगह पर उसमें जो मानवीय कारण है, जो मानवतावाद है, वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो घटनाएं हैं वो राजनीतिक कारणों से हो रही हैं या फिर व्यक्तिगत कारणों से हो रही हैं। तो ये इतिहासकार यहाँ पर मानते हैं और उसे उसी तरह से उसका वर्णन करते हैं। आगे हम देखें तो आलोचनात्मक एवं विश्लेषणात्मक विवरण हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो स्वतंत्र इतिहास लेखन जो कर रहे थे, जो जैसे हमने देखा था कि मोहम्मद तुगलक की जैसी जिस प्रकार आलोचना की गई थी, उसी प्रकार से बदायूनी ने अकबर की और निजामुद्दीन अहमद ने जो है जहांगीर की आलोचना अपने लेखन में ये करते हैं। और आगे हम देखें तो यहाँ पर इतिहास लेखन में जो सबसे ज़्यादा जो ध्यान दिया गया वह था राजनीति व आर्थिक। अब इसमें राजनीति पर सबसे अधिक ध्यान दिया गया और आर्थिक पहलू पर ये थोड़ा सा गौण रहा। हालांकि ध्यान दिया गया, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ध्यान दिया गया वो राजनीतिक पहलू पर ध्यान दिया गया, आर्थिक पहलू पर थोड़ा सा कम ध्यान दिया गया, फिर कहेंगे कि आंशिक ध्यान दिया गया। एक विशेषता जो हम यहाँ पर देखते हैं वो है तुजुक का लेखन, आत्मकथा। आत्मकथा किन
किन की हमें देखने को मिलती है, किन दो शासकों की देखने को मिलती है, वो है बाबर जिन्होंने तुजुक ए बाबरी, और दूसरे जो शासक हैं वो हैं जहांगीर जिन्होंने तुजुक ए जहांगीरी का लेखन किया है। हालांकि जहांगीर हैं वो अपने तुजुक के जहांगीरी का लेखन पूरा नहीं कर पाए थे क्योंकि अपने उम्र के आखिरी पड़ाव में ये इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इस वजह से इन्होंने एक अन्य अधिकारी को जिनका नाम मोहम्मद हादी, मोहम्मद हादी को इन्होंने अपनी तुजुक के बाबरी को कंप्लीट करने के लिए नियुक्त किया, और तुजुक के बाबरी को ही हम बाबरनामा के नाम से जानते हैं। मुगलकालीन इतिहास लेखन में हम पहले सबसे पहले जो इतिहासकार का अगर हम नाम लें या फिर लेखक का नाम लें तो सबसे पहला नाम बाबर का ही आएगा, तो पहले लेखक हमें बाबर ही दिखाई पड़ते हैं। बाबर की जो रचना है बाबरनामा अथवा तुजुक ए बाबरी। तो बाबर जो थे वो जब भारत आए और भारत में उन्होंने विजय विजय हासिल की, उसके बाद उन्हें यहाँ का जो सब यहाँ पर ज़्यादा उन्हें ज़्यादा कुछ था नहीं उन्हें यहाँ रोकने के लिए, लेकिन वो फिर भी यहाँ रुके रहे, ये ऐसा अपने बाबरनामा में वर्णन करते हैं। तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें तुजुक के बाबरी में दिखती है वो है चगताई तुर्की भाषा में इसका लेखन किया गया, और इसको तीन भागों में इसको बांटा गया है, जिसके अंदर पहला जो वो पहले भाग में वो 1503 से लेकर 1504 तक के वर्षों का वर्णन करते हैं, और दूसरे भाग में वो 1520 के करीब से 1508 से लेकर 1519 तक के वर्षों का वर्णन करते हैं, और तीसरे भाग में वो 1520 से लेकर के 1525 तक का वर्णन हमें देखने को मिलता है। तो टोटल ये अगर हम देखें तो 18 वर्षों का अपने शासनकाल के 18 वर्षों का विवरण हमें बाबरनामा में देखने को मिलता है। इसके अंदर वे भारत की ऋतुएं उन्हें भारत की ऋतुओं से भी काफ़ी परेशानी थी कि यहाँ पर ह्यूमिडिटी है और अलग ही तरह की ऋतुएं जो बदलती रहती हैं, लेकिन जब बरसात जो ऋतु है बरसात ऋतु को वो सबसे अच्छी ऋतु मानते थे और वो उन्हें सबसे ज़्यादा प्रिय ऋतु यहाँ पर लगती थी। यहाँ की वनस्पति की वो बात करते हैं और कहीं आलोचना और कहीं पर एक तरह से कहें तो तारीफ वो भारतीय लोगों की और भारतीय संस्कृति की करते हैं। यहाँ पर जो प्रथाएं प्रचलित थी वो उनके बारे में बताते हैं, उनका वर्णन करते हैं, और ऋतुएं वनस्पति और यहाँ की संस्कृति के बारे में हमें बाबरनामा के अंदर देखने को मिलता है। उनकी जो विजय अभियान था उसके बारे में भी वो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि किस कौन से मोटिवेशन थे जिन्होंने उन्हें भारत पर अभियान करने के लिए प्रेरित किया, और कौन सा मोटिवेशन था जिसने उन्हें भारत में रुकने के लिए प्रेरित किया। सेकंड लेखक ख्वांदा मीर, ख्वांदा मीर हमें देखने को मिल इनकी रचना हमें देखने को मिलती है। ख्वांदा मीर जो है ये हुमायूं के काफ़ी करीबी थे, हुमायूं के
काफ़ी समय तक ये हुमायूं के साथ रहे थे और इस और हुमायूं के काफ़ी विश्वसनीय साथी या फिर अधिकारी इन्हें हम कह सकते हैं। और इस प्रकार इन्होंने हुमायूं नामक की हुमायूं नामा की इन्होंने रचना की। अब ये हुमायूं नामा भी दो रचनाएं हैं, एक जो रचना है वो गुलबदन बेगम की है जिसकी हम बाद में बात करेंगे। गुलबदन बेगम जो है वो हुमायूं की छोटी बहन थी, और ये जो ख्वांदा मीर है ये हुमायूं के अमीर थे या फिर कहें कि अधिकारी थे। इन्होंने एक दूसरी रचना भी लिखी है जो है कानून ए हुमायूं। कानून हुमायूं के अंदर इन्होंने वहाँ पर हुमायूं के शासनकाल में प्रचलित कानून व्यवस्था और शासन व्यवस्था के बारे में वर्णन किया है, और इसके अंदर मुख्यतः इन्होंने कुरान का वर्णन या फिर कहें कि कुरान का एक तरह से सारांश प्रकट करने का प्रयास किया है। हुमायूं नामा के अंदर भी हमें हुमायूं के आदेश और इमारतों के बारे में जिनका निर्माण करवाया जा रहा था, और दूसरा ज्योतिष के बारे में कि हुमायूं की काफ़ी रुचि थी ज्योतिष के बारे में, ज्योतिष को लेकर हुमायूं की काफ़ी रुचि थी। वो 7 दिन अलग अलग कपड़े अलग अलग रंग के कपड़े पहनते थे ज्योतिष और नक्षत्रों में अपनी रुचि के कारण। तो हुमायूं नामा के अंदर हुमायूं के जो प्रशासनिक आदेश हैं और जो आर्किटेक्चर है वहाँ का उसके बारे में, और दूसरा ज्योतिष और नक्षत्र के बारे में जो कि हुमायूं की रुचि का केंद्र था उसके बारे में ये वर्णन करते हैं, और कानून हुमायूं में कुरान का सारांश ये प्रस्तुत करते हैं। अब तीसरे लेखक की तरफ हम चलते हैं। तीसरे जो लेखक थे और या फिर कहें कि अकबर के अधीन जो अब लेखन होने लगा, अकबर के अधीन, हालांकि ये थोड़ा सा स्वतंत्र था, फिर भी ये जो प्रेरणा जो गुलबदन बेगम की है वो प्रेरणा अकबर ही इनको देते हैं, अकबर ही इनको लिखने के लिए प्रेरित करते हैं कि तुम हुमायूं नामा लिखो, जो मेरे पिताजी हैं उनके बारे में आप वर्णन करो। तो गुलबदन बेगम का हुमायूं नामा, अब ये जो गुलबदन की बेगम थी ये काबुल में, ज़्यादातर इनका समय काबुल में बीता था, और जब ये हुमायूं के समय में ये बहुत छोटी बच्ची थी जिनको माहम बेगम ने इनकी परवरिश की थी, और ये काबुल में ये ज़्यादातर समय तक रही थी। और जब अकबर ने देखा अकबर ने इन्हें हुमायूं नामा को लिखने के लिए प्रेरित किया, जिसके अंदर ये पहले भाग में तो बाबर का वर्णन करती है और दूसरे भाग में हुमायूं का वर्णन करती है। मुगलकालीन तीसरे लेखक हैं या फिर पहले एक रचना की बात कर लेते हैं, जो रचना अकबर ने तारीख ए अल्फी, तारीख ए अल्फी का जो प्रकाशन है या फिर कहें कि इसको लिखने के लिए अकबर ने आदेश दिया था, अकबर के आदेश से लिखी गई थी, और इसके लिए 7 विद्वानों का या फिर लेखकों का समूह निर्धारित किया गया, जिसके अंदर कादिर बदायूनी और निजामुद्दीन अहमद एवं अन्य इतिहासकार या फिर अन्य लेखक इसमें
शामिल थे। इसके अंदर क्या लिखवाना था अकबर ने? अकबर ने कहा कि आप पैगंबर मोहम्मद से लेकर के 1000 साल तक के इतिहास का वर्णन कीजिए, जिसके अंदर जनश्रुतियों को शामिल करने की मनाही इन्होंने शामिल नहीं करने का इन्होंने आदेश दिया। पांचवा लेखक हमें निजामुद्दीन अहमद का ही देखने को मिलता है। निजामुद्दीन अहमद ने जो लिखी है ताबकात ए अकबरी। ताबकाते अकबरी के अंदर ये जो वर्णन करते हैं अकबर के शासनकाल के 38 वर्षों का, अकबर के शासनकाल के प्रथम 38 वर्षों का ये इसके अंदर वर्णन करते हैं। उसके अंदर अकबर के शासनकाल का एक प्रकार से वार्षिक ब्यौरा देने का प्रयास करते हैं, वार्षिक इतिहास लेखन का प्रयास करते हैं कि हर साल क्या हो रहा था। तो अकबर के का शासनकाल है उसका अगर हमें कोई बहुत अच्छा विवरण अगर कहीं देखने को मिलता है वो निजामुद्दीन अहमद का जो लेखन है वो हमें सबसे विश्वसनीय और सबसे जो एक कहें कि विस्तार से जो हमें देखने को मिलता है वो निजामुद्दीन अहमद का ताबकाते अकबरी के अंदर देखने को मिलता है। अब हम छठे लेखक की बात करें तो छठवां जो लेखक है छठवें लेखक अल बदायूनी, अल बदायूनी एक प्रकार से कहें कि ये काफ़ी आलोचक थे अकबर के, हालांकि अकबर के दरबारी थे, अकबर के ये अमीर थे, लेकिन फिर भी ये अकबर से काफ़ी भिन्न विचार रखते थे क्योंकि ये कट्टर सुन्नी थे, इसलिए शियाओं के कट्टर ये दुश्मन थे, उनसे काफ़ी गहरी दुश्मनी ये निभाते थे। इनकी जो रचना है वह है मुंतखाब उल तवारीख। मुंतखाब उल तवारीख भी इन्होंने कई भागों में लिखी है। मुंतखाब उल तवारीख को इन्होंने तीन भागों में बांटा है। प्रथम भाग के अंदर ये गजनवी के काल का वर्णन करते हैं, गजनवी जो भारत पर जो आक्रमण किया था गजनवी से लेकर के हुमायूं के काल तक। दूसरे भाग के अंदर ये अकबर के प्रथम 40 वर्षों का वर्णन करते हैं, अकबर के प्रथम 40 वर्षों का ये वर्णन अपने मुंतखाब उल तवारीख के दूसरे भाग में वर्णन करते हैं। और तीसरे भाग के अंदर ये सूफी संतों दरबारियों या फिर कहें कि जो अमीर उम्रा वर्ग थे उनकी जीवनियों के बारे में तीसरे भाग में एक प्रकार से जीवनियों का वर्णन करते हैं। अब जो अल बदायूनी थे ये उदारवादियों शियाओं और जो अकबर के जो करीबी जो लोग थे जो उसके धार्मिक स्वतंत्रता को या फिर कहें तो धर्मनिरपेक्ष जो नज़रिया अकबर का था उसकी वो काफ़ी आलोचना करते थे और जो उसका समर्थन करते थे उसकी काफ़ी आलोचना करते थे। उसके अंदर अबुल फजल भी उसी चपेट में आ जाते हैं, हालांकि ये कुछ कर तो नहीं पाते लेकिन ये अपनी स्वतंत्र रचनाओं के अंदर ये अबुल फजल और अकबर और उदारवादियों को एक तरह से कहें तो असभ्य भाषा का प्रयोग करते हैं उनके लिए। सातवें लेखक अगर हम देखें तो वो अकबर के सबसे साथ जिनका हमने नाम सुना है और जिनका बार बार हम वर्णन अकबर के साथ देखते हैं वो हैं अबुल फजल। ये अकबर के दरबारी
दरबारी थे, और जो इतिहास लेखन जो इन्होंने किया है उसके अंदर अकबर की इन्होंने आलोचनात्मक रवैया तो नहीं अपनाया और काफ़ी बचाने का प्रयास किया है, और अकबर का काफ़ी सारा वर्णन, और इन्होंने अपनी जो है अकबरनामा के अंदर करने का प्रयास किया है। ये जो थे ये शेख मुबारक के पुत्र थे, और जो शेख मुबारक जो हैं, अगर कोई राजस्थान से हैं तो उनके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है कि वो नागौर एक ज़िला है राजस्थान में, वहाँ से संबंधित थे, वहाँ पर ये रहते थे, और इस वजह से अबुल फजल राजस्थान के जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस शेख मुबारक के ये पुत्र थे और ये अकबरनामा का लेखन करते हैं, जिसके अंदर ये इसे तीन भागों में बांटते हैं, तैमूर से लेकर हुमायूं। ये एक प्रकार से अकबर के जो मनचाहा लेखन है वो करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये तैमूर का वर्णन करते हैं। तैमूर का वर्णन बाबर करते हैं, बाबर तैमूर को अपना आइडियल मानते हैं, उनसे उनसे अपने वंश को संबंधित करते हैं, और तैमूर की तरह ही वो बनना चाहते थे। तो इसलिए ये जब अपना लेखन करते हैं तो उसके अंदर तैमूर का नाम शामिल करते हैं। दूसरे भाग के अंदर ये अकबर का वर्णन करते हैं, आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा हो, दूसरे भाग के अंदर अकबर, और तीसरे भाग के अंदर ये जो है आइन, आइन ए अकबरी, इसके अंदर ये सामाजिक सामाजिक इतिहास लेखन का प्रयास करते हैं, समाज के बारे में, सामाजिक दशा के बारे में ये लिखने का प्रयास करते हैं। आइने अकबरी को भी ये एक अलग पुस्तक के रूप में पांच भागों के अंदर आइने अकबरी को लिखते हैं, और ये आइने अकबरी किसका, अकबरनामा का ही एक पार्ट है, तीसरा पार्ट है ये अकबरनामा का, जिस जो खुद अपने आप में पांच भागों में विभक्त है। इसके अंदर सामाजिक आर्थिक जीवन का, मुगलकालीन अकबरकालीन सामाजिक आर्थिक आर्थिक जीवन का इसके अंदर वर्णन करने का प्रयास किया जाता है। अब आठवें लेखक अगर हम देखें तो आठवें लेखक हमने देखा था कि जहांगीर जो हैं, जहांगीर अपनी आत्मकथा लिखते हैं, तुजू के जहांगीरी, जिसका नाम हमने लिख दिया था, मार्कर अभी काम नहीं कर रहा है तो मैं माफ़ी चाहूँगा। तो तुजू के जहांगीरी ये तुजुक ए जहांगीरी, तुजू के जहांगीरी लिखते हैं, इसके अंदर ये एक तरह से कहें कि अपने शासनकाल के आखिर तक इसको लिख नहीं पाते हैं, और मोहम्मद जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं लिख देता हूँ, मोहम्मद हादी, मोहम्मद हादी जो हैं उनके हवाले कर जाते हैं और वो इस रचना को पूरा करते हैं। और ये जहांगीर जो हैं वो अकबर की परंपरा से आ रहे होते हैं, अकबर जो अपना एक तरह से कहें कि आधिकारिक इतिहास लेखन करवा रहे होते हैं, और उसी परंपरा से मोहम्मद हादी भी एक विद्वान इतिहास लेखन निकल के आते हैं, जो कि तुजुक जहांगीरी को कंप्लीट करते हैं। और भी एक लेखक होते हैं लेकिन बाद में जाकर मोहम्मद हादी ही इस रचना को कंप्लीट करते हैं। तुजुक जहांगीरी के अंदर जो हम देखते हैं वो पहला तो ये कि ये अपने शासन के आदेशों का उसके अंदर विवरण देते हैं। दूसरा, इसको हम थोड़ा सा ईमानदार रचना मानेंगे क्योंकि ये इसके अंदर अबुल फजल की हत्या का, अबुल फजल की हत्या, अबुल फजल की हत्या का ये विवरण इसमें देते हैं, और इस वजह से इसको ईमानदार रचना माना जाएगा, क्योंकि कोई भी शासक है वो अपनी जो उसके उस तरह के कार्य हैं जिनको वो बताना नहीं चाहेगा, लेकिन ये इसके अंदर भी थोड़ा सा निष्पक्षता दिखाता है कि उसने अबुल फजल को मारा है, तो वो दिखाता है कि हाँ मैंने अबुल फजल को मारा है। दूसरा, इसके अंदर जो नूरजहाँ है, नूरजहाँ जो जहांगीर से संबंधित जो लेडी हैं, जो जहांगीर की पत्नी हैं, और
जो काफ़ी ज़्यादा हस्तक्षेप रखती थी शासन के अंदर, लेकिन ये उसका वर्णन यहाँ पर नूरजहाँ का वर्णन हमें इस पूरी पुस्तक के अंदर, नूरजहाँ का वर्णन हमें दिखाई नहीं देता है। नूरजहाँ का ये कोई वर्णन अपनी तुजुक के जहांगीरी में नहीं करते हैं। अब एक आखिरी लेखक है, आखिरी दो लेखक हैं, आठ हो गए, नवे जो लेखक हैं, नवे जो लेखक हैं वो हैं खाफी खां। खाफी खां भी एक प्रकार के स्वतंत्र लेखक हमें इनको मानेंगे। क्यों? क्योंकि काफी खान जो है वो औरंगजेब के काल में, जब देखेंगे कि इतिहास लेखन पर औरंगजेब अपने शासन के अंतिम सात सात वर्षों में इस पर रोक लगा देते हैं कि इतिहास लेखन की जो परंपरा है वो हम उसको बंद करते हैं, उस और उस पर प्रतिबंध लगा देते हैं। उस समय पे मोहम्मद खाफी खां इतिहास लेखन कर रहे थे। मोहम्मद खाफी खां की जो रचना है वो है मुंतखाब उल लुबाब। ये तो लिखा नहीं जा रहा, उल लुबाब, मैं काम करता हूँ। मुंतखाब उल लुबाब की ये रचना करते हैं, जिसको कि ये औरंगजेब के पूरे शासनकाल के अंदर इसका प्रकाशन नहीं करवा पाते हैं, इसलिए औरंगजेब के मरते ही 1707 के बाद ये इसका प्रकाशन करवाते हैं। इसी प्रकार से बदायूनी की भी एक रचना है जिसका वो अकबर के शासनकाल तक उसका प्रकाशन नहीं करवा पाते हैं। हालांकि जो तुजुक की जहांगीरी के अंदर जब हम आदेशों का और अबुल फजल की हत्या का वर्णन देखते हैं, तो अपनी अपने जीवन काल के अंदर की ये जैसे अकबर के लिए जो विद्रोह जो इनके हैं, विद्रोह आदि को ये छुपा जाते हैं इस रचना के अंदर। और दूसरा हम देखें कि इसके अंदर किस किस चीज़ का वर्णन करते हैं, एक तो मुस्लिम अभियानों का प्रथम, और दूसरा ये जो वर्णन करते हैं वो करते हैं बाबर से लेकर मोहम्मद शाह तक, और मुस्लिम अभियानों से लेकर ही करते हैं लोदी वंश तक का, लोदी वंश के बाद बाबर, और बाबर से लेकर मोहम्मद शाह तक, ये एक तरह से पूरे मुगल वंश को इसमें कवर कर देते हैं। और फिर ये जो वर्णन करते हैं वो करते हैं औरंगजेब का, और इनके की बात हमने कर ही ली थी कि ये एक प्रकार से इनका स्वतंत्र इतिहास लेखन हमें दिखाई देता है। तो जैसे पहले शासन शासकीय संरक्षण में जो इतिहास लेखन हो रहा था उससे हटके स्वतंत्र इतिहास लेखन हो रहा था, जिसमें कि इतिहासकार अपने स्वयं के विचार भी शासकों के अगर खिलाफ भी हैं या फिर आलोचनात्मक रवैया भी वो अपना उसके अंदर अच्छे से जाहिर कर पाते हैं, जो कि हमें अबुल फजल के लेखन में आलोचनात्मक रवैये का हमें उसके अंदर अनुपस्थिति देखने को मिलती है। एक आठवें या फिर नौ हो गए, एक दसवें इतिहासकार हैं, और भी एक आध इतिहासकार है, लेकिन मैं आपको आपसे बता देता हूँ कि जो अगर आपके पास मटेरियल नहीं है पढ़ने के लिए तो आप मेरे को बता दीजिए, मैं आपको शेयर कर दूँगा। और अगर आपके पास इतिहास लेखन के लिए जो सबसे अभी तक बेस्ट पुस्तक जो हमें अवेलेबल है वो वही है, ई श्रीधरन ही है, तो ई श्रीधरन से आप इन टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं आराम से। और अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको उसकी पीडीएफ भी या फिर फ़ोटो खींच कर उसी आपको अवेलेबल करवा दूँगा। तो ये दसवें जो इतिहासकार हैं ये भीमसेन हैं। भीमसेन जो वर्णन करते हैं ये है नुक्साए दिलखुशा। तो ये मुगल काल के एक तरह से कहें कि हिंदू
हिंदू इतिहासकार थे, हालांकि दरबार में नहीं थे, लेकिन ये जिस स्थिति में थे तो इनकी पहुंच थी दरबार तक। तो दरबार के अंदर जो जो कार्य हो रहे हैं, जो प्रशासन के अंदर जो कार्य हो रहे हैं, उन कार्यों तक इनकी पहुंच थी कि वो किस प्रकार से हो रहे हैं। तो इस वजह से इनका नुक्सा या दिलखुशा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये वहाँ पे है नहीं, लेकिन स्वतंत्र रूप से एक तरह से स्वतंत्र इतिहासकार इनको हम कह सकते हैं। ये शिवाजी वगैरह का भी वर्णन हमें यहाँ पर इनके लेखन में देखने को मिलता है। तो ये मुगलकालीन हिंदू इतिहासकार हैं, इनकी जो पुस्तक है नुक्साए दिलखुशाए। तो हिंदू इतिहासकार होने की वजह से और स्वतंत्र इतिहासकार मुख्यतः होने की वजह से इनके जो है लेखन का जो है महत्व बढ़ जाता है। तो आज के लिए मुगलकालीन जो इतिहासकार हैं वो ये हैं। बाकी कुछ और भी हैं जिनका यहाँ पर वर्णन नहीं किया जा सकता, जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर उनका वर्णन आ जाएगा। जो मुख्य इतिहासकार है, जहाँ से क्वेश्चन आता है और जो इम्पोर्टेंट है समझने के लिए कि उनकी जो रचना है उनको हम छोड़ नहीं सकते, और उनके अंदर किस प्रकार का वर्णन हमें दिया गया है, और समझ के लिए जो हमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो चीज़ें थी, तो वो हम मैंने ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कंप्लीट करवा दी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या, लगभग सारी कंप्लीट करवा दी। कुछ एक इतिहासकार रह जाते हैं, मैं नहीं कहता मैंने सब कुछ कंप्लीट करवाया है, कुछ एक इतिहासकार रह जाते हैं, वो इतिहासकार आपको किताब के अंदर उनका थोड़ा बहुत विवरण आपको मिल जाएगा। और उनका जो जो विवरण है वो पढ़ने के लिए इसी प्रकार से महत्वपूर्ण है, जैसे कि मैंने अमीर खुसरो वाला क्वेश्चन करवाया था, उसके अंदर एक पुस्तक का नाम आ जाता है जो हमने ज़्यादातर सुने नहीं होती है। तो इस प्रकार से वो एलिमिनेट करने के लिए से भी हमारा काम हो जाएगा, जब हमें मुख्य इतिहासकारों के नाम पता रहेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पर करवा देता हूँ, या फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो एक काम करते हैं अगली वीडियो में इस प्रश्न को मैं करवा दूंगा। बाकी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इन लेक्चर्स को देख रहे हैं तो इसके साथ साथ इसको पढ़िए, आप जो भी आपके पास सोर्स अवेलेबल है। मुख्यतः मैंने जो बताया है वो तो यही है कि आप ई श्रीधरन की पुस्तक इतिहास लेखन के लिए पढ़िए। अभी इतिहास लेखन पर ध्यान दीजिए, इससे तो सवाल जरूर से ज़रूर आते हैं, और ख़ास करके मुस्लिम इतिहास लेखन है, या फिर कहें कि जो मध्यकालीन इतिहास लेखन है और जो मॉडर्न इतिहास लेखन है। तो कल जब हम पढ़ेंगे तो मॉडर्न इतिहास लेखन का हम वर्णन पढ़ेंगे, और उसके अंदर किस किस तरह का वर्गीकरण था वो सब हम देखेंगे, जिससे हमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आराम से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बाकी वीडियो को आप शेयर कीजिए। थैंक यू।